अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का 4 से 3 मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हम बना लेते हैं। क्या रहता है ये? इस तरह से एक सर्कल में आने वाला क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ये इसके चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे रहते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। इससे इसको ज्वाइन किया जाता है, इससे इसको ज्वाइन किया जाता है, इससे इसको ज्वाइन किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये और ये एंगल का सम 180 आना चाहिए, मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इसके सम करें किसका, डी ए बी प्लस बी सी डी, बी सी डी बोलो या डी सी बी एक ही बात होती है, ये आता 180। कितना आता है ये? 180, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये वाले एंगल का, ओके आप कौन था दूसरा, ए डी सी प्लस इसके सामने का कौन है, ए बी सी, ए बी सी, ये भी कितना था बच्चों, 180 सप्लीमेंट्री आता है। ये हमको प्रूफ करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे हो, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है। देखिए ओके, अब यहां से हमको प्रूफ करने के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करना होगा। अब किस तरह से इस यहां पे लगाते देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे लेता इस तरह से एंगल, एंगल डी ए बी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? डी ए बी। तो डी ए बी पे अगर आप ऑब्जर्व करें, ये डी ए बी, तो इसके अंदर जो एक्सपांड करेंगे हम, देखिए इस तरह से ये डी, ये ए और ये बी, इसको अगर हमने एक्सपांड करें बड़ा है, तो इसके अंदर कौन आ रहा है बच्चों, इसके अंदर जो आ रहा है डी ए बी के अंदर बी सी डी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी सी डी। ये आर गौर कीजिए आप, ये आर, ये इसकी इंटरसेप्टेड आर्क होगी। क्या होगी इसकी? ये इंटरसेप्टेड आर्क कौन थी? बी सी डी। इसका मतलब हाफ ऑफ आर्क बी सी डी। ओके, इक्वेशन नंबर 3 बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, उर्दू में इसे बोलते कौसी जाविये का मसला, कौसी जाविये का मसला। अब देखिए कौसी जाविये का मसला जो ये इसका ये होगा इसका इंस्क्राइब्ड एंगल और ये होगी इसकी इंटरसेप्टेड आर्क, ये होगा इसका कौसी जाविया और ये होगी इसकी मक्तुआ कौस। अब वैसी बात हम इधर से लगाते बी सी डी में, कायम है एंगल बी सी डी में, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, 1/2 आधा होता आर्क। बी सी डी में आर्क कौन सी आ रही है? आप इसको उल्टा करके देखिए, देखिए कौन सी आर्क ले रहे हैं यहां से, बी सी डी, बी सी डी, इसके अंदर कौन आ रहा है यहां पर, देखिए इसके अंदर जो आने वाली चीज कौन थी अपने पास, डी ए बी ए, कौन है, डी ए बी, इसकी इंटरसेप्टेड आर्क होगी, मतलब हाफ ऑफ डी ए बी, डी ए बी बाय सेम रिजल्ट इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब यहां पे देखिए दोनों को हम ऐड करते, डी ए बी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन करते एक और तीन और चार की, तीन और चार की, तो इसके अंदर ही आ गया आर्क बी सी डी, कॉमन निकाल दिया मैंने दोनों में का, एक बार दो कॉमन निकाल दिया और आर्क डी ए बी, डी ए बी, therefore डी ए बी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 1/2। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे गौर करा रहा हूं, देखिए पहले मैंने आर्क लिया बी सी डी, देखिए बी सी डी यहां तक आ गया मैं, बी सी डी, बी सी डी, ओके, और इधर से फिर मैंने लिया डी ए बी, इधर से क्या लिया मैंने, डी ए बी, ओके डी ए बी। तो आप गौर कीजिए मैं पूरा सर्कल घूम ले रहा हूँ, पूरा सर्कल कितने का आता है, 360 का, पूरे आर्क को मिला देते हो, बी सी डी और डी ए बी को अगर ज्वाइन करें तो हमारे को 360 मिल जाता और 360 का आधा कितना था, 180। तो डी ए बी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से वाइस वर्सा हम दूसरा भी क्या प्रूव कर सकते हैं, जो दूसरा हमारा ये स्टेटमेंट इसको भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते, ए बी सी ले सकते इसके अंदर की आर्क, ये ले सकते ए बी सी ले सकते उसके अंदर की आर्क को ले सकते, सिमिलरली हम दूसरा भी प्रूव कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई होप आपके पूरा थ्योरम समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।